आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन कौन सी सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फूड्स हैं, कौन कौन सी सी ड्रिंक्स हैं जो कि आपको खाली पेट बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। अगर आप इनको खाली पेट खाते हैं तो आपको बहुत तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक एसिडिटी, पेट में दर्द होना, पेट में एठनसी होना। तो ये सब तभी होती है जब आप गलत फूड गलत टाइम पे लेते हैं। तो मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि कुछ ऐसी चुनिंदा चीज़ें हैं जो कि आपको खाली पेट कभी भी नहीं खानी चाहिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, साथ ही साथ उन लेडीज़ के साथ में भी शेयर कीजिएगा जो कि प्रेग्नेंट हैं। कई बार हमें पता नहीं होता और हम कंप्लेन करते हैं कि एसिडिटी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, और कई बार हमारा जो खान पान का पैटर्न है वही हमारी प्रॉब्लम्स का कारण होता है। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर अभी तक प्रेगनेंसी केयर इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारा दूसरा चैनल है मॉम किड एक्सप्रेस उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेबी की केयर के लिए भी तो वीडियोस चाहिए ना। तो वो सारी वीडियोस आपको हमारे दूसरे चैनल मॉम किड एक्सप्रेस पे मिल जाएगा। चलिए अब हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जो कि आपको खाली पेट कभी नहीं खानी चाहिए वो है चाय और कॉफ़ी। और मोस्ट ऑफ द इंडियंस यही मिस्टेक करते हैं, जो मतलब किसी को भी ना खाली पेट चाय कॉफ़ी कभी नहीं खानी चाहिए। और जब आप प्रेग्नेंट हैं तब तो बिल्कुल भी चाय और कॉफ़ी खाली पेट टोटली अवॉइड करना चाहिए। तो आपने क्या करना है, सुबह उठते ही पानी पीजिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, एक ग्लास बहुत है, मन कर रहा है तो दो ग्लास पी लीजिए, और उसके बाद में कोई फ्रूट खा लीजिए। फ्रूट में बनाना मुझे सबसे पर्सनली सबसे ट्रस्ट ओवर दी फ्रूट लगता है खाली पेट, तो आप बनाना ले सकते हैं, या फिर कोई भी आपने ब्रेकफास्ट करना है तो आपने ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, लेकिन आपने खाली पेट चाय कॉफ़ी कभी नहीं लेनी है। इसके अलावा आपने पपीता कभी नहीं खाना है। वैसे तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट टू ट्राइमेस्टर में पपीता को अवॉइड किया जाता है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको पपीता खाने के लिए अलाउ किया जाता है, लेकिन इन दैट टाइम ऑल्सो आपको पपीता कभी भी खाली पेट नहीं खाना है। जो थर्ड चीज़ है वो है अनार का जूस आपको खाली पेट नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अनार जो होता है उसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और जब आप खाली पेट आप एकदम से कुछ ऐसी ठंडी चीज़ खाते हैं तो ये आपके शिशु के विकास के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं है, और इसकी वजह से आपको पेट में ऐंठन और दर्द भी महसूस हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको उठने के साथ ही एकदम खाली पेट, आपने पूरी रात कुछ नहीं खाया, उठते एकदम वो जो मसालेदार खाना होता है ना, एकदम चटक बटक वाला, वो वाला नहीं खाना है। थोड़ा सा लाइट खाना खाइए, थोड़ा मीडियम स्पाइसेस का खाइए, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना आपने नहीं खाना है। लाइक मान के चलिए सुबह उठे और घर में पाव भाजी बनी और आपने उठते ही एकदम पाव भाजी का अटैक कर दिया, एकदम मसालेदार वाली पाव भाजी, तो वो आपने नहीं करना है। उठने के साथ पहले कुछ नट्स या फ्रूट्स लीजिए और उसके बाद में आप पाव भाजी पे डेफिनेटली अटैक कर सकते हैं, बट उठने के साथ खाली पेट आपने मसालेदार तीखा खाना आपने नहीं खाना है। इसके बाद दोस्तों बात आती है एलोवेरा जूस की। एलोवेरा जूस वैसे तो खाली पेट बहुत हेल्दी माना जाता है, आपका पेट साफ रखता है, बहुत अच्छे इसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती हैं अगर आप खाली पेट इसको इंटेक कर रहे हैं, बट जब आप प्रेग्नेंट हैं तब जो कहानी है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। खाली पेट आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे एलोवेरा जूस जो है वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी बेबी की ग्रोथ पे डायरेक्टली पड़ता है, तो ट्राई कि आप खाली पेट एलोवेरा जूस ना पिएं। और वैसे भी प्रेगनेंसी के टाइम पे एलोवेरा जूस को भी लेने के लिए अवॉइड किया जाता है। कई केसेस में अगर आपको लाइक कंसीव करने में डिफ़िकल्टी रही है या मिसगैरेज हो चुका है तो आपको डेफिनेटली एलोवेरा जूस जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि एलोवेरा जूस जो है वो मिसगैरेज का भी कारण बन जाता है। उठते ही आपको मिठाइयाँ नहीं खानी है, मीठी चीज़ नहीं खानी है। जो नेचुरल स्वीट चीज़ें हैं वो आप डेफिनेटली खा सकते हैं, लाइक बनाना हुआ अगेन, लेकिन मिठाइयाँ जो नहीं खानी है, चॉकलेट्स नहीं खानी है, लॉलीपॉप नहीं खानी है, जो मीठी चीज़ें होती हैं, टॉफ़ीज होती हैं, कैंडीज होती हैं, उठते ही आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। एक तो ये आपकी भूख को भी सप्रेस करते हैं, भूख नहीं लगने देते, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, और फिर आप जब ज़्यादा उठते ही मीठा खाते हैं तो आपको मीठे की ही क्रेविंग होती है, जो कि आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको उठते ही खाली पेट जो है वो मीठा नहीं खाना है। जो अगली चीज़ है वो है पाइनएप्पल, आपने नहीं खाना है। वैसे तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट टू ट्राइमेस्टर में पाइनएप्पल को अवॉइड करना होता है, बट यू कैन टेक पाइनएप्पल इन योर लेटर प्रेगनेंसी, लाइक इन थर्ड ट्राइमेस्टर, बट उसमें भी आपको खाली पेट जो है वो पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए। एक तो ये बहुत ज़्यादा आपको एसिडिटी देगा, बहुत ज़्यादा आपका जो खट्टी खट्टी डकारें आती है उसका कारण बन जाता है, और खाली पेट आपको जो पाइनएप्पल है वो अवॉइड करना है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, एंड प्रेगनेंसी केयर इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।